हेलो, नमस्कार, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का दिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी बीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमारा जो मेन मोटिव है वो है टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कराना। ठीक, टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की। तो यहाँ पर हम क्या विशेष कर रहे हैं, पहली चीज़ तो यहाँ पर हम डिटेल्ड में सारी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक बड़ा डिटेल्ड में एनालाइज कर रहे हैं और चैप्टर वाइज कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसा जैसे आपके सिलेबस में एक एक टॉपिक आता जा रहा है, वैसे वैसे हम उस चीज़ को क्या करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, और वैसे वैसे हम उनके एमसीक्यूज भी डील करते जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो हमारा बेसिक है। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम वो क्वेश्चन करेंगे जो एडवांस लेवल पर है। अगर हमें बेसिक ही नहीं आएगा तो एडवांस कैसे होगा, है ना? तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट तरीका है। इससे आई थिंक ऐसी प्रिपरेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप उनको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और क्यों कहा था? उन्हें करने के लिए उसके पीछे का एक रीज़न था। और वो रीज़न क्या था? वो रीज़न ये था कि आपको वो सारा कंटेंट बहुत आसानी से समझ में आ सके। ठीक है ना? तो जितना आसानी से आपके वो कंटेंट जो है समझ में आएगा उतना ही ज़्यादा आप उससे रिलेटेड करवाएंगे। और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखें, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, विक्रय की लागत मूल्य, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ। इसके हिंदी में ये जो आज के क्वेश्चन है, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हो, ठीक है, मैं आपको एक एक चीज जो है वो हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। और ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियसली सब कुछ हिंदी में ट्रांसलेट कर ही चुका हूँ, तो अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार देख लीजिए, सारे फॉर्मूलाज वगैरह हमने वहीं पर डिस्कस किए हैं। चलिए क्या निकालना है? विक्रय का लागत मूल्य और सकल लाभ किसके बेसिस पर, इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्रय पर खर्चा है, विक्रय पर खर्चा है, मजदूरी है, विक्रय है और अंतिम रह दिया है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें अवेलेबल की हुई है। ये सब इन्फॉर्मेशन हमें क्या की हुई है? अवेलेबल की हुई है। और यहाँ से हम इजीली जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उन्हें आसानी से हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। उन्हें हम क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं और हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। और अगर आपने पहले के जो चैप्टर्स हैं अगर आपने वो देखे हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तब तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, एक्सपेंस ऑन परचेज है, वेजेस है और क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? यहां से हम निकाल लेंगे सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया प्लस परचेज क्रय प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष व्यय माइनस क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया। तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। देखिए, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 40,000 प्लस परचेज कितना दिया हुआ है? 4,20,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया हुआ है? एक तो आपको ये दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं और कौन कौन से हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। ये दोनों हमारे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये दोनों का टोटल कितना हो गया? 8,000 प्लस 30,000। ठीक है, दो चीजें हो गई। इसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 52,000। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो 4,60,000, 4,60, 4,98,000
और 498,000 में से आपको माइनस करना है 52,000, दैट इज इक्वल टू 446,000। तो अगर आपसे सीओजीएस पूछता विक्रय की लागत है ना, माल पर विक्रय की लागत अगर आपसे पूछता तो कितना आ जाता, 4,46,000। अब हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ये क्वेश्चंस मैंने आज तक नहीं देखे कि आपको कभी प्रैक्टिस में कराए गए हों, और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए, हमें ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बेटा एक्सपेंस ऑन सेल का हमारा कोई मोटिव नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, एक भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी और बच्चा कंफ्यूज कि इसका यूज कहां पर होगा। कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दी होती हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, फिर सेल में से सीओजीएस माइनस कर दो। सेल कितनी है सर, 6 लाख। सीओजीएस कितनी है, 4,46,000। कितना आ जाएगा, 54,000, 1,54,000। क्लियर कहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। Ascertain कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस का आपका कोई रेलेवेंस है क्या, कोई रेलेवेंस है क्या? मैंने भी बताया था कोई रेलेवेंस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस का है, बिल्कुल है। सेल्स का है क्या, सेल्स का है क्या, क्या निकलवा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, सेल्स का भी नहीं है। नेट परचेज, हाँ, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी। आ जाओ, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या बताया था, बोलो फटाफट से। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब एक मजे की बात बताऊं, इन दोनों का भी कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेट परचेज जो होती है, क्या नेट परचेज जो होती है, दैट इज इक्वल टू द परचेज माइनस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। तो आपको ऑलरेडी से नेट परचेज निकाल करके दिए हुए, तो बताओ ओपनिंग स्टॉक कितने का है, ओपनिंग इन्वेंटरी 16,000 प्लस परचेज कितने की है, 72,000। बोलो कितने की है, 72,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के हैं, 18,600। कितने के हैं, 18,600 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 28,000 का, खत्म। टोटल कर लो 72, 80, 90, 1,06,600 माइनस 28,000, तो 600 तो ये आ गया, 16 में से 8 गए 8 बच्चे और 9 में से 2 गए 7 बचे। दिस इज योर आंसर। बहुत आसानी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हो जाएंगे अगर आपको पिछले का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपने पीछे के जो टॉपिक्स मैंने कराए हैं ना वो करे होंगे। और मैं ये बात भी बोल रहा हूँ ना, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना उन्हें भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, सकल लाभ क्या होगा। देखिए टोटल परचेज दी हुई है 8,00,000, रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं 60,000, 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड 6,10,000। मतलब आपके पास टोटल गुड्स होंगी है ना, उन टोटल गुड्स का आपने 2/3 पार्ट क्या कर दिया, बेच दिया। कितने में बेच दिया, 6,10,000 में। मतलब आपने कुल वसूलों का 2/3 हिस्सा क्या करा है, बेचा है। कितने में बेचा है, 6,10,000 रुपए में बेचा। तो सबसे पहले आप सीओजीएस निकाल लो, सीओजीएस निकाल लो। तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। अब मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक दिया है, नहीं दिया हुआ, जीरो मान लो,
परचेज दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे परचेज दिया हुआ है, तो 8 लाख माइनस 20 हजार, 8 लाख माइनस 20 हजार, क्योंकि यहाँ पर कौन सी परचेज आती है, नेट परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंस दिए, हाँ जी दिए हैं, कितने के, 60 हजार के, बोलो कितना आ गया, कितना आ गया, 40, 8 लाख 40 हजार। सीओजीएस आ गई, सीओजीएस आ गई कितनी, 8 लाख 40 हजार। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो बेटे 8 लाख 40 हजार का अगर मैं कितना करूं, 2/3, कितना करूं, 2/3 ऑफ सीओजीएस, 2/3 बोला है ना, गुड्स सोल्ड। तो सीओजीएस का अगर 8 लाख 40 हजार का मैं 2/3 करूं तो ये कितने के इक्वल बैठेगा, अट्ठाईस दूनी 56, 5 लाख 60 हजार, 5 लाख 60 हजार। और 5 लाख 60 हजार मतलब ये माल आपने कितने में, इतना माल बेचा है आपने, टोटल आपके पास इतना माल था, और आपने कितने की लागत का माल बेचा है, कितने की लागत का माल बेचा है, कितने में बेचा है, 6 लाख 10 हजार में। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ जाएगा, सेल माइनस सीओजीएस। सब दोबारा समझिए, आपने कॉस्ट निकाल ली, कुल माल की लागत निकाल ली कितनी, 8 लाख 40 हजार, कितना माल बेचा, 2/3, तो 2/3 की लागत कितनी आई, 5 लाख 60 हजार। तो आपने 5 लाख 60 हजार का माल कितने में बेचा है, 6 लाख 10 हजार माइनस 5 लाख 60 हजार, तो आई थिंक दैट इज इक्वल टू द 50,000। खत्म आंसर, कितना आसान है। जब आपकी इस पर ग्रिप आएगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो वही आपको, एक तो सीओजीएस निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है। तो ठीक है, पहले भाई सीओजीएस निकाल लेते हैं अपने को, क्या तो सीओजीएस निकालना है। तो सीओजीएस का फॉर्मूला परचेज, अच्छा, कैरिज इन वार्ड दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, परचेज ग्रॉस, अच्छा इसमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इसमें आप पहले निकालो नेट सेल, क्या निकालो, नेट सेल निकालो। तो नेट सेल का फॉर्मूला टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल कितनी आ गई, माइनस करो तो 5 लाख 36 34 हजार, 5 लाख 24 हजार, सॉरी 5 लाख 24 हजार, 5 लाख 24 हजार आ गई आपकी, और सेल आ गई, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सीओजीएस का फॉर्मूला लगा दो, वही वाला, क्या सीओजीएस का फॉर्मूला, गया सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितनी है, 5 लाख 24 हजार की, माइनस जीपी कितना है, 1 लाख 20 हजार का। तो टोटल कितना हो गया, 5, 4 लाख 4 हजार, 4 लाख 4 हजार का आ गया आपका माल की लागत विक्रय पर, है ना। अब लगा दो आप सीओजीएस का फॉर्मूला, सीओजीएस क्या है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, यही है ना। तो सीओजीएस कितना आ गया आपका, 4 लाख 4 थाउजेंड, 4 लाख 4 हजार। ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है क्या, दिए दिया हुआ 20 हजार रुपये, प्लस परचेज दिया हुआ है 4 लाख में से 4 हजार माइनस कर दो, 3 लाख 96 हजार, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज इन वर्ल्ड 15 हजार माइनस क्लोजिंग आपको निकालना है। क्लोजिंग इधर पहुंचाओ, ये सारी आइटम इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, इसका टोटल करो, 3, 50, 2, 3, 35, 4 लाख 4 हजार माइनस 5 और 6, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 4 लाख 31 हजार कितना आ रहा है। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ये जब इधर जाएगा तो साइन बदल जाएंगे ना, 4 लाख 31 हजार है ना, 4 लाख 31 हजार माइनस
4,04,000 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 और 4 11 17, 27,000, 27,000। ठीक है सिंपल। तो इसमें पहले COGS का दो फॉर्मूले लगते। देखिए क्वेश्चन की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक पैटर्न बना लिया, बच्चे क्या करते हैं एक पैटर्न बना लेते हैं, रटोगे तो गड़बड़ कर दोगे, बहुत सीधी बात है, रटोगे तो गड़बड़ कर दोगे। नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर 2011 वाज इतना, नेट सेल दिया हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, COGS निकालना है। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है ये, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो सबसे पहले, कितना दिया हुआ है 25% ऑन सेल, सेल कितनी दी हुई है 285,000, 285,000 का कितना परसेंट निकालना है 25%, 25 चौका 100। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, ये ज़्यादा आसान है, 2500 मल्टीप्लाई करने से तो ज़्यादा आसान है ना, 4 7 28, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 71,250 आ गया। क्या आ गया 71,250 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट सेल है, COGS निकाल दो। COGS का फॉर्मूला क्या है, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स कितनी है 285,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला है हमारा 71,250, तो कितना आ गया 750, तो एक आ गया, तो ये कितना हो गया 72,000, 72 और 3 75, 1,13,500 आंसर आ गया। सिंपल खत्म क्वेश्चन भाई, फटाफट। नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए वहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ऑन सेल दिया हुआ था तो आसान था, यहाँ पर कह रहा है ऑन कॉस्ट, क्या कह रहा है ऑन कॉस्ट, ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, 100 मान लो, कॉस्ट नहीं दी हुई है, कितनी मान लो 100 मान लो, मान ली 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25% दिया हुआ है, बोलो कितना दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 25% दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको अमाउंट में निकालूं तो कितना आ जाएगा 25 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेल निकालूं तो सेल कितनी आ जानी चाहिए सर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इसका मतलब कितना हो गया 125, 100 प्लस 25। बोलो यहाँ तक की बात समझ आई कि नहीं है, फटाफट कमेंट करो यहाँ तक अगर आपके पास समझ आई तो फटाफट से बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी कॉस्ट 125 है, सॉरी अगर हमारी सेल कितनी है 125 है, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, कॉस्ट कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। अब आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपको जो भी निकालना होता है ना आप उसको ऊपर रख दो। मतलब क्या है, मतलब ये कि आपको क्या निकालना है COGS, मतलब कॉस्ट निकालनी है, किस पर निकालनी है 6 लाख पर। इन 6 लाख में कॉस्ट ये है कि ये है सर, ये वाली है, तो इसको ऊपर रख दो और इसको नीचे रख दो, ठीक है ना, ठीक है ना। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 बटे 5, तो आंसर आ जाएगा 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये। सिंपल, बहुत आसान तरीका, सिंपलेस्ट फॉर्म। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, गड़बड़ हो जाएगी वरना, और लिटरली गड़बड़ हो जाएगी अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई तो, ये बात ध्यान में रखना। इफ अ बर्गलरी एट द गोडाउन, सेंध लगाना, इसका मतलब होता है सेंध लगाना, दुकान है उसमें सेंध लगा दी शाम के गोडाउन में रात को 14 फरवरी 2022 को, और उसका कुछ पार्ट जो है, मतलब जो स्टॉक रखा था, जो माल रखा था, उसका कुछ पार्ट चोरी हो गया, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपको बताइए कि वो कितना उसको लॉस हो रहा है। चलिए बताते हैं, स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स भी दी हुई हैं, स्टॉक कितना दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है, और ग्रॉस प्रॉफिट 30% है सेलिंग प्राइस का। बताइए क्लियर हो गई ये वाली बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू कितनी, कितना स्टॉक उसका चोरी हुआ है ना, तो कितना स्टॉक उसका चोरी हुआ, तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000, ठीक है, एक सेकेंड रोक जरा,
को तरीके से ही करते हैं। एक सेकेंड है ना, चलो भाई चलो बाद में देखें इसको, ऐसे ही समझ लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 60,000। पैन कि मैं भी थोड़ी छुट्टी कर लेता। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? परचेज दिया हुआ है। कितनी परचेज करी है? 4,10,000। कितने की परचेज की है? 4,10,000 की। ठीक है, सेल्स सेल्स कितने की दी है? मैंने आपसे, आपने अगर पीछे के वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपसे कहा था कि इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ये कहीं भी काम आ सकते हैं। स्टॉक कितना बच रहा है रिमेनिंग में बल्गेरिया के बाद, मतलब वो क्या होने के बाद, चोर सेंध लगने के बाद, एक तरह से चोरी होने के बाद 12,000 का स्टॉक बच रहा है। 12,000 का स्टॉक बच गया अभी। स्टॉक रिमेनिंग 12,000, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ये। तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 30% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 30% कितना हो गया? 1,80,000। क्लोज करो इसे। टोटल कितना आ गया? 8 और 6 14, 15 का 5 से लगा 1, 4, 5 और 1, 6। 6,50,000 आ गया। 6,50,000। तो जो हमारे पास निकल करके आया वही 50,000 की वैल्यू, और ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? 50,000 का। तो 50,000 में से हमारे पास बचा कितने का है? 12,000 का। तो कितने गायब हो गए? 38,000। 38,000। तो ये जो 38,000 है यही इसका आंसर होगा। आंसर विल बी 38,000। ये सब क्वेश्चंस अगर आपने दोबारा नहीं किए ना, बहुत टॉपिक खराब हो जाएगा और आपका जो कंटेंट है ना, मतलब आपकी जो प्रैक्टिस है वो गड़बड़ा जाएगी। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। क्लोजिंग स्टॉक ही तो निकालना है यार। ओपनिंग, कैश सेल, क्रेडिट सेल, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑन कोस्ट, कोस्ट पर निकालना है, कोस्ट पर। 33 ठीक है ना, क्लियर है? तो अगर अगर मैं इसकी टोटल सेल निकालूं, कितनी सेल निकालूं? टोटल सेल। तो टोटल सेल कैसे निकलेगी बेटे? कैश प्लस क्रेडिट। कैश कितनी है? 60, मतलब 1,00,000 हो गई। कितनी हो गई सेल? 1,00,000 हो गई। अब तुम एक बात तो देखो, यहाँ पे क्या गया? कॉस्ट। तो कॉस्ट तो दी नहीं है। तो अभी हमने पीछे करा था, अगर मैं कॉस्ट 100 मान लूँ और जीपी कितना मान लूँ? 33:1/3%। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? यही मेरा आ जाएगा, यही मेरा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो सेल होगी वो किसके इक्वल होगी? 133:1/3। क्लियर है ना ये वाली बात? तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका एक्चुअल सेल निकालनी है। किस पर? इस पर, है ना? तो कैसे निकलेगा? मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी चीज़ निकालनी है उसको क्या कर दो? ऊपर कर दो। 100/3 × 3/400। इसको पता है मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ
400 अपॉन 3, क्या लिख सकता हूं उसको मैं, 400 अपॉन 3 मल्टीप्लाई, और इसको लिख सकता हूं मैं ये जो है 100 अपॉन 3, ठीक है ना। तो समझ आ गया क्या हुआ है, रेसिप्रोकल कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ये कट गया 4, तो कितना आ गया 25, 25,000 रुपये आ गया, कितना आ गया 25,000। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, जीपी आ गया, किस पर जीपी आ गया, इस पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इतना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सीओजीएस निकालूं, इसके ऊपर कर रहा हूं, अगर मैं सीओजीएस निकालूं तो सेल कितनी है, 1 लाख रुपए, उसमें से तुम्हारी जीपी कितनी माइनस हो जाएगी, 25,000 रुपये, तो कितने का कॉस्ट आ गया तुम्हारा, 75,000 रुपये। बोलो यहां तक क्लियर होगी कहानी। अब सीधी सीधी सी एक कहानी कैलकुलेट कर लो, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 20,000, प्लस परचेज कितनी दी हुई है 70,000, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है, कुछ भी नहीं है, माइनस 0, माइनस क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों को निकालना है, और सीओजीएस भी आपको दिया हुआ है कितना, 75,000, कितना दिया हुआ है 75,000। तो 75,000, एक सेकंड देगा, तो ब्लू पे पेन कौन सा चलेगा, ये चलेगा क्या, नहीं ये चलेगा नहीं, ये कोई चलेगा नहीं चलेगा, ओहो सब पड़े, ये चलाएंगे हम, ये अलग करो, ये अलग करो, इसको यहां लेकर के आओ, 75,000 आ गया इसकी जगह, तो यहां पर इसको सॉल्व कर लो, 70, 90, 90 में से 75, 90,000 माइनस 75,000 दैट इज इक्वल टू, सॉरी किसके इक्वल आ जाएगा, 15,000 ना, बस यही आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। देखो ये मैं आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार रिलेवेंट नहीं है, यार इसी में तुम्हें ऑप्शन दे देगा, है ना। अगर जो बच्चे कई बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है ना, उन्होंने प्रीवियस ईयर देखे होंगे, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिला हुआ है ना। चलिए कैलकुलेट, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं चला, हो गया, एक सेकेंड, चलो इसको भी पता नहीं क्या होता रहता है। चलिए ज्यादा अकाउंट्स पढ़ ली इसने भी, चलो कोई बात नहीं, हो जा भाई। नेट सेल निकालनी है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 20% ऑन सेल। ये देखो मैं तुम्हें ना कमेंट के लिए दे रहा हूँ, इससे रिलेवेंट क्वेश्चन है ना हमने जस्ट अभी किया है, तो फटाफट से बिना देरी किए, समझ रहे हो ना, बिना देरी किए तुरंत इसका आंसर निकालो और कमेंट में डालो जल्दी। देखो ये वाला क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई, आ जा फटाफट कमेंट करो इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपसे एनपी पूछ लेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख करके। तो सीधी सीधी सी नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख माइ, अरे ये सब कैसे हो गया, ये प्लस होगा, माइनस नॉन,
ये क्या क्या है आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें क्या क्या माइनस होना है, अब इनकम है ना रेंट रिसीव्ड कितना 10,000 प्लस, और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 15,000 प्लस, एक्सपेंस में कितना है 2,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000। 20,000 प्लस 2,000 तो ये कितना हो गया 1,00,000 माइनस 25,000 प्लस 22,000 तो ये मेरे ख्याल से 97,000 आ जाएगा। सिंपल कहानी। एंड आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लेकिन लेकिन इनका मोटिव तब होगा पूरा जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन पर आते हैं। परेशान मत होना, कभी सोचो कि यार सर ने तो किसी का भी वो नहीं दे रखा, थोड़ा सा अंग्रेजी में आ जाओ यार, ठीक है ना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, बताइए फॉर अ पर्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, विशेष के लिए, किसी एक विशेष तिथि को, पूरे वर्ष का, या इनमें से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही आ रहा है ना, क्यों परेशान हो रहे हो। आंसर फटाफट, जिसने प्रीवियस क्लासेस देखी हुई है फटाफट आंसर दे देगा जल्दी। हमारा जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है वो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का बनाया जाता है, पूरी साल का बनाया जाता है, या किसी एक पर्टिकुलर डेट का बनाया जाता है। आंसर बेटा वो पर्टिकुलर पीरियड का बनाया जाता है। आंसर विल बी ए, किसका बनाया जाता है पर्टिकुलर पीरियड का। दूसरा फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते बताओ कब के बनाए जाते हैं, कैलेंडर ईयर के बेस पर, असेसमेंट ईयर के अंत में, प्रत्येक दिवाली को, आहा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जल्दी 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 जल्दी, बहुत सारे बच्चे देंगे इसको गलत 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 गलत, एट द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, एट द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। एक मिनट रुको भाई, फाइनल एक सेकेंड करना ही जरा। पर्टिकुलर पीरियड कैलेंडर ईयर, अच्छा फाइनल अकाउंट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फाइनल अकाउंट्स जो प्रिपेयर कराए जाते हैं वो तो सही है सही है सही है सही है सही है। मैंने इसको बैलेंस शीट समझ लिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सही है ये यही वाला है, यही वाला सही है, मैंने इसको बैलेंस शीट समझ लिया। ये आ गया देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है हमारा पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और फाइनल अकाउंट बनाया जाता है हमारा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई जाती है। किसके लिए बनाई जाती है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो ये तीनों क्वेश्चंस क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, गलत है। चलिए फिक्स एसेट्स आर कैप्ट, स्थायी संपत्तियों को क्यों रखा जाता है, ताकि हम उनसे लाभ कमा सकें या उनके माध्यम से हम जल्दी से जल्दी किसी भी चीज को कैश में क्या कर सकें, ये इनटू है कन्वर्ट कर सकें, उन्हें दोबारा से बेच सकें, या उनको मॉर्गेज मतलब क्या कह सकते सिक्योरिटी पर रख करके उन उनसे लोन प्राप्त कर सकें, है ना, ठीक है ना। बताइए द आंसर विल बी, देखिए कन्वर्जन इनटू कैश नहीं, रीसेल हम संपत्तियों को करते नहीं है, माल को करते हैं, और मॉर्गेज के लिए कोई संपत्ति नहीं लेता है। तो मतलब क्या है, अर्निंग रेवेन्यू, ताकि हम उनसे प्रॉफिट जनरेट कर सके। क्लियर है। इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट, अगर कोई मैनेजर 5% लाभ पर काम करता है बिफोर डिडक्टिंग हिज कमीशन, उसका कमी जो लाभ कब, उसके कमीशन को काटने से पहले, है ना। तो मैनेजर कमीशन में दो सिचुएशन होती है, एक तो आफ्टर कमीशन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, एक होता है बिफोर प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो ये बिफोर कमीशन वाला केस है, ही विल गेट अ कमीशन। तो उसको कितना कमीशन प्राप्त होगा, अगर प्रॉफिट कितना है हमारा
8,000 है तो आंसर कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। इफ अ मैनेजर इज एंटाइटल्ड, अगर हमारा मैनेजर है वो एंटाइटल्ड है कितने परसेंट के लिए, 5% के लिए, किस पर? प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्या? प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो क्या आंसर होगा बताइए। बिफोर डिडक्टिंग हिज कमीशन तो द आंसर विल बी 8,000 मल्टीप्लाई 5/105, कितना होगा, कितना निकल करके आएगा भाई, इसका आंसर कितना निकल करके आएगा बताओ जरा। इसका आंसर कितना निकल करके आएगा, 420। तो दुनी 10 5 6 कम 5, 442 निकल कर गया आएगा आई थिंक। 1,000 × 5 105, 1 सेकंड दो भाई, ही विल गेट अ कमीशन ऑफ 8,000। नहीं, 1 सेकंड दो, 1 सेकंड दो भाई, 1 सेकंड दो, ये तो बड़ा बड़ा तो आंसर ही नहीं है। बिफोर हमारा जो कमीशन कहेंगे यार, इससे काम ना कर। हमारा जो कमीशन होता है वो दो तरह का होता है, एक तो बिफोर और एक होता है आफ्टर, है ना। बिफोर में क्या होता है, बिफोर में होता है रेट/100 और आफ्टर में होता है रेट/100+ रेट। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी ही गलती थी। देखिए इधर, 8,000 × 5/100 तो सीधा सीधा है 8×5=40, 400 रुपये, ऐसे गड़बड़, ठीक है ना। तो द करेक्ट आंसर विल बी 400। चलिए, छोटी सी मिस्टेक हो गई और उसने मामला गड़बड़ा दिया। चलो, ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस में क्या इंफॉर्मेशन कंटेन होगी? 15% लोन दिया हुआ है, देखिए ये लाइबिलिटी साइड है, कौन सी साइड है, लाइबिलिटी। यहां पर आपका लोन है, कितना लोन है, 40,000 का, कितने का लोन है। और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा साइड है, डेबिट साइड है। यहां पर इंटरेस्ट पेड कितना दिया हुआ है, 4,500 रुपये, इंटरेस्ट पेड कितना दिया हुआ है, 4,500 रुपये। तो 15, अब लेकिन हमें इंटरेस्ट पे कितना करना है, 15 × 4=6,000, 15 × 4=6,000, तो हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है, 6,000। पे कितना किया हुआ है, 4,500, तो कितना और पे करना है, तो 6,000 में से 4,500 हम दे चुके हैं, तो कितना और देना बाकी है, 1,500। तो ये हमारी लाइबिलिटी आ गई, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन डेटर 2,400 रुपये के दिए हुए हैं। इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन डेटर्स 2,400, तो ये आपकी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये आपकी एसेट साइड हो गई है। यहाँ पर आपके डेटार्स आ गए कितने के, 2,400 रुपये के, कितने के डेटार आ गए, 2,400 रुपये के। और बैड डेप्ट आपके दिए हुए हैं कितने के, 221 के। तो ये जो बैड डेप्ट हैं ये आपके P&L के डेबिट साइड में आ जाएंगे। बैड डेप्ट कितने, 221। बैड डेप्ट का प्रोविजन है दिया हुआ है 324 का, तो बैड डेप्ट प्रोविजन 324 दिया हुआ है। अच्छा, फॉर क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 10%, हमें कितना क्रिएट करना है, 10% क्रिएट कर रहा है, तो 10% किसका करेंगे हम, इसी का करेंगे। तो इसका 10% कितना हो गया, 240। वो 240 कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा 240। तो टोटल कितना आ गया, 461, कितना आ गया, 461। अब 461 में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 324 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7, 5 में से 2 गए 3 और 4 में से 1 गया 1,
137, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, ये क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर से करना। चलिए, एज ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बैड डेप्ट इतना है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इतना है, इट इज डिजायर टू मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ 1500 फॉर डाउटफुल डेप्ट, द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, तलपट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तलपट में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर बैड डेप्ट लिखा हुआ है 3000 का, और 5000 का आपको क्रेडिट में प्रोविजन आ जाएगा, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिसाइडेड टू मेंटेन 1500 का प्रोविजन हमें और क्रिएट करने के लिए कहा गया, 1500 का प्रोविजन हमें और क्रिएट करने के लिए कहा गया, ठीक है ना, तो क्रिएट कर दिया। तो अब हमारे पास टोटल कितना हो गया, 4500। अब 4500 में से जब 5000 माइनस करोगे तो क्रेडिट में 500 आ रहे हैं कि डेबिट में 500 आ रहे हैं, क्लियर है? ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश में, अगर आप अपने आप का मोरल ऐसे ही डाउन कर लोगे ना कि यार क्या होगा हमारा, कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं होने वाला भाई, पहले मोरल डाउन कर लोगे कि क्या होगा, इंग्लिश देनदार दे रखे हैं, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, सारी चीजें देंगे, देनदार दे रखे हैं कितने के, 20000 के। फर्दर बैड डेप्ट, देखिए बैड डेप्ट होता है तो वहां पर जाता है, फर्दर दे रखा है अशोध्य ऋण, अन्य अशोध्य ऋण, एक तो होगा अशोध्य ऋण, एक होगा अन्य अशोध्य ऋण, तो ये क्या दे रखे हैं, अन्य अशोध्य ऋण, तो इनको क्या करेंगे माइनस, कितने 1000, कितने बच गए 19000 बच गए, ठीक है। एंड इट इज डिजायर टू क्रिएट अ प्रोविजन, और अभी हमारे लिए क्या जरूरी है, एक संचय बनाना है, कितने का, 5% का, तो बेटा ये तो आपको पता ही है संचय इस पर बनता है, तो 19000 का 5% कितना बनेगा, 19000 का 5% 950 रुपये, कितने रुपए, 950 रुपये, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18050, कितना आएगा 18050। फिर कह रहा है उन देनदारों पर हमें 2% का डिस्काउंट भी बनाना है, ठीक है सर डिस्काउंट भी दे दो, कितना 2%, तो 18050 का 2% कितना बनता है बताइए, इसका 2% कितना बनेगा, 18050 का 2% 361, कितना बनेगा 361। तो अब इसको माइनस कर दो, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 17689। इंग्लिश वाले देखो, डेटर 20,000, देयर इज फर्दर बैड डेप्ट ऑफ रुपीज 1000, देन वी गेट एन अमाउंट ऑफ 19,000, द फर्म्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ प्रोविजन एट द रेट 5%, सो वी कैलकुलेट एट द रेट 5% ऑफ द ऑफ 19,000, देन वी विल गेट द अमाउंट ऑफ 18,050 रुपीज, ऑन विच वी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ प्रोविजन ऑन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, दैट इज 2% ऑफ द अमाउंट, सो आफ्टर दैट वी विल गेट द अमाउंट ऑफ 17,689, सो दिस इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट विच वी विल रिसीव फ्रॉम द डेटर्स आफ्टर मेंटेनिंग ऑल द प्रोविजंस एंड बैड डेट्स। ओके, एंड आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। चलिए साहब, अ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स, एक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 15,000 की अमाउंट दी हुई है, बैड डेप्ट दिया हुआ है 400 रुपए के, बैड डेप्ट यहाँ वाले जाएंगे, बैड डेप्ट कितने रुपए, 400 रुपए, इसको यहाँ पे लिखो, डेटर कितने के हैं 15,000 के, प्रोविजन बनाना है कितने का, 600 रुपए का प्रोविजन दे रखा है, कितने का प्रोविजन दे रखा है बोलो, 600 रुपए का, ये यहाँ फर्दर बैड डेप्ट, मैंने क्या कहा, फर्दर देगा अन्य कितने, 400 रुपए माइनस कर दो, 15,000 में से 400 के कितने बचे, 14,600, ये 400 रुपए कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, फर्दर बैड डेप्ट कितने रुपए, 400 रुपए, क्लियर है कहानी। प्रोविजन मेंटेन करना है कितने परसेंट, अरे यहाँ तो परसेंट रेट है ही नहीं, यहाँ तो परसेंट रेट है ही नहीं, इसको 5% ही मान लो, चलो 5% ही लेते आ रहे हैं ना, तो 14,600 का 14,600 का कितना परसेंट, 5%, दैट इज इक्वल टू 730,
संचय, संचय बनाना है कितने का, 730 का। ये भी कहां पर हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। बस बताइए, 7 4 11, 11 और 3 1430। इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, कितने 600 रुपये, तो कितना आएगा, 30 और 8, सॉरी 15 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 आएगा। अरे भाई वो सेलेक्ट 1530, तो ये आ गया 930, करेक्ट आंसर। ये इससे रिलेटेड है ना, आपने यूट्यूब पर कभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी के लिए आए आए पढ़ाए, फॉर्मूले बताए, एमसीक्यू खत्म ना, नहीं डिटेल में कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए मेरा पैटर्न क्या है, जैसा जो पुराने बच्चे अगर वो जानते भी हैं, नॉलेज स्केल करना, बस मुझे केवल इससे मतलब है, जो आप पढ़ रहे हो वो आपको आना चाहिए, वो आप यहां से सीख के जाने चाहिए। माने अगर आपने सीओजीएस पढ़ा है तो सीओजीएस आपका इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने रिवीजन करा उसका। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पढ़ के गए और हो गया बिना रिवीजन के काम, आपने यहां से पढ़ा और रिवीजन आपने उसका किया, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ इस चीज को कह सकता हूं कि आपका वो क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता। और देख लेना इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस लग सकते हैं, देखना तुम लोग। चलिए, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड बट नॉट ड्यू टिल द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स इज शोन। जो हमारे देय विपत्र थे उनका, उनको डिस्काउंटेड कराया गया है ना, उनको क्या कराया गया, डिस्काउंटेड कराया गया, भुनाया गया, लेकिन फिर भी वो उस तिथि जब हमारे फाइनल अकाउंट अंतिम खाते तैयार हो रहे थे, लेकिन उस तिथि तक वो प्रस्तुत नहीं हुए, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, लायबिलिटी में कोई मतलब नहीं बनता, एसेट में कोई मतलब नहीं बनता, फुटनोट यस। अब ये किस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के तहत दिखाए जाते हैं, आप उसको क्या करो, कमेंट करो। देखिए क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, दैट बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड बट नॉट ड्यू टिल द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स इज शोन इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, या विच प्रिंसिपल इज फॉलोड इन दिस केस, या वाई दीज आर शोन इन द बैलेंस शीट, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। और वहां पे आपको चार प्रिंसिपल दे देगा, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, या आपका क्या कहते हैं मटेरियलिटी, ठीक है ना, या आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, कोई भी कुछ भी, तो आपको एक ऑप्शन बताना है। अब इनमें से हो भी सकता है कोई हो, या इनमें से नहीं भी हो सकता, वो तो मुझे भी नहीं पता, बताओ 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 बताओ, तो जल्दी कमेंट करो अभी, इससे मुझे पता चलता है कि तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, मुझे पता है इसका आंसर क्या है, पर मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ। एक आध क्वेश्चन तो करो अपनी आप, पता तो चले कि तुमने प्रीवियस का कितना अच्छे से पढ़ा हुआ है, बताओ जल्दी से फटाफट। इंश्योरेंस पेड 4000 रुपये इंक्लूडिंग, जिसमें से 3000 रुपये हमारे पेड हैं कब तक के, 30 जून 2022 तक के, ओके। व्हाट विल बी एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्री, 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और हमने 3000 रुपये का क्या किया हुआ है, पेमेंट किया हुआ है, वो भी कब तक का, 30 जून तक का, इसका मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा गया हुआ है, 3 महीने का एक्स्ट्रा गया हुआ है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को परेशान करने के लिए दे देते हैं खाली की। 3000 रुपये दिए हैं हमने, उन 3000 में 3 महीने का एडवांस है, मतलब 3000 रुपये का कितना एडवांस दिया हुआ है, 3 महीने का, मतलब 3/12, 3/12 का मतलब 3 चौक 12 और 750, तो अमाउंट तो निकल करके आ गई, तो ये दोनों तो एंट्री खत्म हो गई। अब बची ये वाली या ये वाली। अच्छा एडवांस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड, प्रीपेड क्या होती है, एसेट, तो पहली एंट्री से ही खत्म हो गई। बोलो कितना इजी क्वेश्चन है, कोई आपत्ति इसमें, किसी भी तरह की कोई आपत्ति। आइए, रेंट पेड ऑन 1 अक्टूबर, रेंट पेड किया 1 अक्टूबर 2014 को 30 सितंबर तक का, अब समझिए देखिए कितने रुपए, 1200,
एंड रेंट पेड 1 अक्टूबर 2015 फॉर द ईयर अप टू 31 मार्च 2016 1600. फाइंड द रेंट पेबल एज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर. ठीक है ना, 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं. देखिए अभी तक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक ही ले लो. जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. पहला 1 अक्टूबर को, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इस डेट को हमने कितने रुपए पे करें, 1200 रुपए पे करें. कितने रुपए पे करें, 1200 रुपए. ठीक है ना, ऑन 1 अक्टूबर को. कब तक के लिए, 30 सितंबर तक के लिए. कब के लिए, 30 सितंबर तक के लिए. तो 30 सितंबर कब आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहां तक के लिए. तो यहां से यहां तक का हमने पेमेंट किया है, एक साल हो गया, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर. क्लियर है ना, क्लियर है. चलिए आगे कह रहा है, 1200 रुपए पे करे हमने. फिर ठीक है, एंड रेंट पेड ऑन 1 अक्टूबर. फिर ये 1 अक्टूबर आ गया. फिर यहां पर हमने कितने कितने का पेमेंट करा है, हमने 1600 का. कितने का किया है, 1600 का, अगले साल के लिए. कितने का किया है, अगले साल के लिए. तो हमें बताना है शोन ऑन द प्रॉफिट इन 31 दिसंबर. तो इसको हमारा कितना अमाउंट निकल करके आएगा. देखिए 1200 में 9 महीने के तो ये है, प्लस 1600 में 3 महीने का ये है. 3 × 9 = 12, 4 × 12 = 300 प्लस 3 × 3 = 900 प्लस 3 × 12, 4 × 16, 9 × 10 = 13, 1300 आंसर आ रहा है. ये गलत होंगे, इसमें मिस्टेक है. इसका आंसर कितना होगा, 1300 होगा. क्लियर है वाली बात, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. चलिए आगे, ये सही आंसर है. कैसे आया है वो मैंने आपको बता ही दिया, हमें इसका निकालना है. तो 3 महीने का हटा दो, तो बाकी के 9 महीने का और इसमें से 3 महीने का निकाल लो, है ना. चलिए, नेट प्रॉफिट बिफोर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इतना, आउटस्टैंडिंग सैलरी इतना, ये इतना, प्रीपेड. जाहिर सी बात है, क्या बताना है, प्रीपेड इंश्योरेंस बताया हुआ है, तो क्या बताना है इसमें. नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बताना है आफ्टर, क्या दिक्कत है. इन सब के बाद का नेट प्रॉफिट बता दो, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट बता दो इसमें. प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना होगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3000, और 3000 में इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो 183000 आ जाएगा. सिंपल, ये तो बहुत आसान है ना. उल्टा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस. ठीक है, 3000 प्लस हो जाएगा. चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का. बिजनेस पेड टू मिस्टर ए ₹50,000 सैलरी ऑन 25th मार्च 2011. मिस्टर ए वेंट टू बैंक टू डिपॉजिट चेक इन हिज अकाउंट ऑन 3rd अप्रैल 2011. व्हाट इज द एंट्री टू बी पास्ड इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट. तो बैलेंस शीट में क्या एंट्री पास होगी, बैलेंस शीट में एंट्री थोड़ी पास होती है, कुछ भी. सिंपल क्वेश्चन, बच्चे एंट्री पास करके आएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू है, कुछ नहीं करना, सब बेकार है, सब मोहमाया है. चलिए, तो ये आज के हमारे कुछ MCQ थे, एंड आई होप आपको ये सभी MCQ समझ में आए होंगे. अब कोई भी MCQ से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए या हमें मेल कर सकते हैं. हमारा मेल एड्रेस है adigammantra@gmail.com. तो आप हमें यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक और लिंक्डइन यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सभी पर आपकी जो आईडी बनी हुई है वो अधिगम मंत्रा के नाम से बनी हुई है. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक भी दिए हुए हैं, सबके लिंक अवेलेबल हैं.
तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह यहाँ पर हमने एक और टॉपिक की क्या कर दी, समाप्ति कर दी। चलिए मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।